गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज फिर एक स्पीच के साथ मिल रहे हैं। स्पीच क्लास 11th के लिए 10 मार्क्स का है, क्लास 12th के लिए 7 मार्क्स का। इसलिए आप अगर इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके होम एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे। तो मैं एक और प्रैक्टिस लेके आई हूँ। आज काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में है। तो आपको स्पीच लगभग 100 शब्दों में लिखना है, आपको वर्ड लिमिट दी गई है और मैंने अभी थोड़ा सा अलग पैटर्न से लिखा है, मैं आपको समझाते चलती हूँ। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर लेती हूँ। प्रिपेयर अ स्पीच ऑन ईच वन टीच वन इन अबाउट 100 वर्ड्स। टॉपिक है हमारा ईच वन टीच वन, हर एक व्यक्ति एक इंसान को पढ़ाए। हेडिंग डाल दिया हमने स्पीच राइटिंग ईच वन टीच वन। जब भी स्पीच लिखते, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी आप स्पीच लिखे दो चीज पक्की ध्यान रखें, स्टार्टिंग विद गुड मॉर्निंग, एंडिंग विद थैंक यू। तो मैं गुड मॉर्निंग के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, गुड मॉर्निंग ऑनरेबल चीफ गेस्ट, क्योंकि फंक्शन में है तो ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स आई। अब यहाँ मैंने नाम की जगह खाली छोड़ दी, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम लिख दीजिए। ऑफ क्लास खाली छोड़ा, 11th 12th आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए। तो अब भी ये वर्क आपको करना है, मैं नहीं दे रही हूँ करके आपको खुद करना है। गोइंग टू डिलीवर स्पीच ऑन ईच वन टीच वन वी। अब ये एक नॉर्मल सी चीज है जो लगभग आपको हर स्पीच में लिखनी, तो आप ये तो रट ही लीजिए। वी, अब हमारा मेन स्पीच शुरू होता है। वी हैव ऑल कलेक्टेड हियर, जैसे कि आप लोग मुझे भी बोलते सुनते कि हम यहाँ पर इकट्ठा हुए आज ये दिन मनाने के लिए। तो वी हैव ऑल कलेक्टेड हियर टू सेलिब्रेट नेशनल लिटरेसी डे। दिन कौन सा है? राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इस दिन हम ये स्पीच आपको डिलीवर करनी है। वी शुड सी ड्रीम ऑफ सच इंडिया, कि हम सबको एक ऐसे भारत का सपना देखना चाहिए, ऑफ सच इंडिया वेयर ऑल आर लिटरेट, जहां सारे नागरिक लिटरेट है या साक्षर है, वेदर चिल्ड्रेन और एडल्ट, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नेशनल लिटरेसी मिशन ऑफ इलिटरेट एडल्ट। सरकार ने एक मिशन चालू किया है, नेशनल लिटरेसी मिशन ऑफ एडल्ट, जो कि बड़ी उम्र के, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जा सकते हैं, बड़ी उम्र के लोग स्कूल नहीं जा सकते, वो अनपढ़ रह जाते हैं, तो उनके लिए साक्षरता अभियान चल रहा है ऑफ इलिटरेट। दे आर आर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स कौन है? वो बड़े। ऑल ऑफ देम आर इलिटरेट बट फुल ऑफ वेरियस एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। वो सभी अनपढ़ है, निरक्षर है, पर उनके पास जिंदगी के ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मेनी ऑफ देम, उनमें से कई इवन कांट राइट अ सिंगल अल्फाबेट, एक अल्फाबेट नहीं लिख सकते और रीड अ लेटर, एक अक्षर वो पढ़ नहीं सकते। वी शुड फोकस ऑन देयर एजुकेशन, हमें उनकी एजुकेशन पे फोकस करना है। एंड मोर स्ट्रेस ऑन विमेन लिटरेसी, और ज्यादा जोर किस पे देना है? महिला साक्षरता पे। वी आर एजुकेटेड, हम सब पढ़े लिखे हैं, सो वी शुड टेक वन ओथ, कि हम सब पढ़े लिखे हैं तो हमें एक ओथ यानी कि कसम या प्रॉमिस लेना है टू टीच एटलीस्ट वन पर्सन, कि हम हमारे पूरे जिंदगी में एटलीस्ट एक इंसान को साक्षर जरूर बनाए। विथ दिस आई वुड स्टॉप हियर, कि इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं थैंक यू। तो इस तरह से ये एक स्पीच है जो आपको, आई होप कि आप याद ही कर ले, या लिखने के सिंपल सा लिखने का तरीका है कि आप विचारों को अपने दिमाग में सोचे, जैसे ही आप टॉपिक देखें सोचे कि क्या चाहता है, इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये सोचिए। फिर हो सके तो जैसे प्रैक्टिस के लिए आप रफ में वो पॉइंट्स चाहे हिंदी में लिख लीजिए, और अगर इंग्लिश में लिख सकते तो इंग्लिश में लिख लीजिए, उसके बाद उन चीजों को सीक्वेंस के साथ लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखे। आपको ये वाला पार्ट तो रटना ही रटना, याद करना ही करना, सिंपल एक बार कर लेंगे, बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।